नमस्कार, स्वागत है योयो टीवी हिंदी में। मैं हूं अंजुला मिश्रा। बढ़ते एनपीए व छोटे उद्योग को कर्ज देने के मुद्दे पर केंद्र गवर्नमेंट के साथ चल रहे विवाद के बीच रिजर्व बैंक की अहम मीटिंग सोमवार को होगी। इससे पहले दो केंद्र मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को चेतावनी जारी करते हुए बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट सप्लाई को ना रोके। वित्त मंत्री अरुण जेटली व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कई मुद्दों पर अपनी राय दी। मुंबई में हुए एक समारोह के दौरान जेटली ने बोला कि तेज ग्रोथ के लिए सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने ये भी बोला कि अगर क्रेडिट पर्याप्त भी है तो भी सभी सेक्टर की स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। वहीं गडकरी ने बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक की कठोर लोन प्रक्रिया के कारण बैंक राष्ट्र भर में चल रहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद नहीं दे रहे हैं। इसके चलते करीब 2,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। गडकरी का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक लोन की प्रक्रिया को कठिन बना रहा है, जिसके इंफ्रा के लिए पैसे की किल्लत हो रही है। हालांकि बोर्ड की मीटिंग मुंबई में हो रही है, इसमें गवर्नमेंट के समर्थक सदस्य केंद्रीय बैंक नीति में परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव बना सकते हैं। इन मुद्दों पर है गतिरोध। इन मांगों में छोटे उद्योगों के लिए सरल लोन बनाना, कर्ज व फंड की समस्याओं से जूझ रहे 11 सरकारी बैंकों को कर्ज देने से रोकने पर राहत व शैडो लेंडर्स को ज्यादा लिक्विडिटी देना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट के रवैये को लेकर आक्रामक है। उसका कहना है कि क्या गवर्नमेंट बैंक की स्वायत्तता को समाप्त करना चाहती है। इसके लिए उन्हें 2010 के अर्जेंटीना के वित्तीय मार्केट का भी उदाहरण दिया है। हाल ही में गवर्नमेंट ने इशारा दिया है कि वह पटेल का त्याग पत्र नहीं चाहती, लेकिन बैंक के साथ कुछ मुद्दों का निवारण महत्वपूर्ण है। मोदी समर्थकों ने साफ कर दिया है कि नीति में बड़े स्तर पर परिवर्तन का आवश्यकता है।